हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ आईटीआई। आई एम अजीत, कंप्लीटेड सीआईटीएस एनएसटीआई कानपुर। टुडे वी विल डिस्कस सीआईटीएस वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन ग्रुप 7 लेवल 2। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। एक कोई लैडर है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। वो क्या किया है कि रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। एक कोई हमारी खड़ी वॉल है, मतलब दीवार है, उस पर एक लैडर क्या हुआ है, लटका हुआ है, ठीक टिका हुआ है, जिसकी हमें 15 मीटर लंबाई दे दी गई है। किसकी? लैडर की। ये हमारा ऊंचाई पर टिका हुआ है। बोल रहा है इफ़ द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल। अभी दीवार के साथ कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल। यानी एंगल बनेगा तो नीचे से बनेगा, आधार से बनेगा ना। ये एंगल कितने बनाता है, 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। देन द हाइट ऑफ द वॉल, हमें वॉल की हाइट पता करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें साइन कॉस टेन कॉट से खास और कॉसेक जो होता है उसके रूप में हमें ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें लंब और कर्ण आ जाए, क्योंकि हमें देखिए लंब और कर्ण से ही मतलब है। तो एक हमारा होता है फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यानी हम यहाँ पे ले लेंगे साइन 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है h, और कर्ण का मान कितना है जो दिया गया 15। क्योंकि आपको पता है यह आधार होता है, यह लंब होता है और यह कर्ण होता है। यहाँ से जब हमें हाइट पता करनी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 अंश इंटू 15, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इंटू 15, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। नाउ मोर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन ए पी रेस्पेक्टिवली आर 3y-1, 3y+5 एंड 5y+1। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस में दिया गया है, यानी हमें दिया गया है समांतर श्रेणी में तीन टर्म दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सर्वांतर निकल कर आता है वह दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो वह क्या आता है, सेम आता है। हमें तीन पद दिए गए हैं, माना हमने पहला पद a1 यह है, a2 यह है और a3 यह है। अगर दूसरे पद में से पहला पद अगर घटाते हैं बराबर आता है, इसी प्रकार हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो बराबर आता है, ठीक। इसी को हम लोग फार्मूला मान लेते हैं, क्योंकि यह तो रूल है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो वह क्या होगा, हमेशा समान आएगा, क्योंकि यह बोल दिया है कि यह समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे देखिए a2 का मान क्या रखते हैं हम लोग, 3y+5। a2 का मान रख दिए 3y+5। माइनस a1 का मान क्या रखें हम लोग, 3y-1। दो मान रख दिया हमने। दूसरे पक्ष में क्या होगा, a3 का मान हमारा हो जाएगा 5y+1, और उसके बाद माइनस a2 का मान क्या हो जाएगा, तो a2 का मान हमारा हो जाएगा 3y+5। अब इस प्रकार देखिए 3y+5 हमारा है ही, यह चिन्ह बदल देगा। यह चिन्ह क्या करेगा, देखिए माइनस प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, चिन्ह बदल रहा है, ध्यान से देखिए 5y+1 और माइनस 3y और -5। दो पक्ष हुए। अगला देखिए यहाँ पे 3y+ और 3y- कट जाएगा, बचेगा क्या 5 और 1, क्या बचेगा 6, और इधर क्या बचेगा 5y-3y कितना होगा 2y, और 2y हो जाएगा, और यह 1 और ये -5 क्या हो जाएगा -4। जब हम 2y को इधर रहने देंगे यह हो जाएगा 10 और y बराबर क्या आएगा 5। हमें किसका मान चाहिए था, वाई का ही मान चाहिए था ना, तो मैं वाई का मान क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा 5।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिक्स आर 6.3 माइनस 3.5 4 और माइनस क्या है 2 है। 3 दिया गया है हमें, 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु क्या दिया गया है 6.3 या माइनस 5 3 और ये हो जाएगा 4 और माइनस 2। हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल एरिया। आपको पता होगा कि जो हमारा त्रिभुज के अगर 3 बिंदु दिए गए होते हैं उनकी एरिया निकालने का हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला पहले देखिए क्या होता है। जब उसके 3 बिंदु 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1। यहाँ पे पहले हम लोग y लिख देते हैं, y लिख देते हैं, बताएंगे आपको हम एक ट्रिक बताएंगे फार्मूला याद करने का। यह हमारा x2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया y लिख देते हैं ठीक। और उसके बाद क्या होता है x3 आता है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करें y और y लिख दिए। अब लिख देते हैं 23, 31, 12 जहाँ जहाँ y छोड़ा है वहाँ पे लिख दीजिए 23, 31, 12। बस इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। यह हो गया हमारा 23, 31, 12। यह हमारा इसको अलग है, यह मत ध्यान दीजिए। हमने बताया है कि 3 जो त्रिभुज हैं 3 शीर्ष दिया गया है। अब सबका मान रखना है, कैसे रखना है चलिए। इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब सम्मान पता चल गया, सम्मान चलिए रखिए फटाक दें। यह हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर हो जाएगा 1/2। x1 का मान क्या है 6 है जी हाँ। उसके बाद y, यह हमारा बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। y2 का मान क्या है हमारा है, तो y2 का मान हमारा 5 आया है। और y2 का मान हमारा क्या है देखें यहाँ पे 5। और माइनस y3 का मान क्या हमारा है 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y3 का मान माइनस 2 है ना, हाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मैं देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है और y3 का मान देखिए यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्या है प्लस x2 का मान क्या हमारा है, तो x2 का मान हमारा माइनस 3 है ना, और माइनस 3 प्लस पहले से प्लस माइनस माइनस हमारा 3 हो जाएगा ठीक। और अंदर क्या हो जाएगा y3 का मान क्या हमारा है माइनस 2 और y1 का मान माइनस 3। सब मान ध्यान से देखिए कहीं प्लस माइनस गड़बड़ ना हो। उसके बाद प्लस x3 का मान क्या हमारा 4 है। उसके बाद y3 का मान क्या हमारा है y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 5। बड़ा कोष्ठक हमने बंद कर दिया। अब हमारा 1/2 यह हमारा 6 तो है ही, 5 × 2 = 7 माइनस 3 यह माइनस माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5। उसके बाद प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2। बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 7×6 = 42 और ये माइनस माइनस प्लस 15 और ये क्या हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ पे 1/2 जब इसको आप लोग 42 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना 57 और 57 में से 8 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49। यानी हमारा 49 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है चलिए। लेकिन 49 हमारा 49/2 आ रहा है ना, नहीं 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 49/2 आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार फार्मूले पे आप x1 y1 का मान रख कर आप लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अ ग्रेटेस्ट स्फीयर डैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस 1 cm हाइट 5 cm। एक हमें वैल्यूम पूछा है ग्रेटेस्ट स्फीयर, हमें वैल्यूम पूछा है जो एक कोई लकड़ी का क्या है बेलनाकार टुकड़ा है
उसकी रेडियस दे दिया गया 1 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें गोले का जो हमें वैल्यूम चाहिए, वैल्यूम किसका, स्पेयर गोले का वैल्यूम चाहिए, फार्मूला होता है 4/3 πr³। इसमें हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ आर की। अब पाई का मान क्या रख देंगे हम लोग, पाई में आंसर दिया है ना, पाई का मान रखेंगे ही नहीं। और 1 का मान रेडियस, ये 1 दिया है, 1 का क्यूब कर देंगे, 1 हो जाएगा, यानी 4/3 πr आएगा। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हाइट से मतलब नहीं है, सिर्फ रेडियस से मतलब है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द अ मॉड्यूलेट कैरियर हैज अ पिक सिग्नल सिग्नल ऑफ 1.6 वोल्टेज इफ द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 80% द पिक कैरियर। तो इसमें क्या है, 80% पर जो हमारा क्या है पिक सिग्नल, जो कितना निकल के आ रहा है, मॉड्यूलेट कैरियर हैज ए पिक सिग्नल, 80% पर अगर हमारा डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन है तो हमारा पिक कैरियर कितना आ रहा है, 1.6 वोल्टेज। तो 1% पर कितना आएगा, 1.6/80 वोल्टेज, यही ना आएगा। अब हमें पूछा क्या है, द पिक कैरियर हाईएस्ट कैरियर यानी 100% पे पूछा है हमें। तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 1/6/80 × 100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, जब इसको हम लोग काटेंगे तो या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 100% इसको तो देखिए यहाँ पे वह 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा / 8, फिर 8 × 2 = 16, 2 वोल्ट। यानी हमारा कितना निकल के आएगा, 2 वोल्ट हाईएस्ट पीक। ठीक है, पीक कैरियर कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। जब 80% पे 1.6 था तो 100% पे 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर समझेंगे तभी नहीं तो यह क्वेश्चन समझ से बाहर चला जाएगा। बोल रहा है अ रजिस्टर हैज अ वैल्यू ऑफ 176 ओम। कोई रजिस्टर है उसके क्या दिया गया है, वैल्यू दी गई है इतना ओम। हाउ मेनी ऑफ दिज रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड। अब कितना रजिस्टर हमें 176 का ओम का कितना रजिस्टर हमें क्या करना है, कनेक्टेड करना है, पूछ रहा है इन पैरेलल सो डैट देयर कम्बिनेशन ड्रा करेंट 5 एम्पियर और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। यानी 5 एम्पियर की धारा है और 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन हमारी है, उसमें हमें 176 ओम का कितने रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम लोग जो हमारी सप्लाई है उसका हम लोग क्या निकाले थे, टोटल रेजिस्टेंस निकाले थे, कितना ओम उसमें रेजिस्टेंस लग रहा है। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं किस में, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बराबर हमारा हो जाएगा V/I। यहाँ से हमारा 220 वोल्ट है और हमारा ये 5 है, निकल के क्या आ जाएगा हमारा 44 ओम। ये हमारा 44 ओम क्या निकल के आया, जो हमारा 44 ओम निकल कर आ रहा है या जो हमारी सप्लाई है, जो सप्लाई लाइन है उसमें 44 ओम हमें रजिस्टर की क्या है, रजिस्टेंस की ज़रूरत है इतने ओम की। लेकिन हमें बोल रहा है 176 ओम का कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, किस में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट का एक फार्मूला हमारा होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R/N यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आर इक्विवेलेंट यानी हमें मान निकालें हम 44 और आर हमारा प्रतिरोध कितना दिया गया है, 176 ओम दिया गया है और एन को इधर भेजेंगे तो हमारा एन बराबर आ जाएगा 176/44। जब इससे हम लोग काटेंगे भाग देंगे तो एन बराबर क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 176 ओम की 4 अगर रेजिस्टेंस हमारे हैं, रजिस्टर है, उसको अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा 44 ओम क्या होगा देगा, रजिस्टर देगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्यों इसमें मैच हुआ है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द लीकेज करेंट ऑफ ट्रांजिस्टर आर ICVO 5 ओम एम्पियर आर ICEO 0.4 ओम एम्पियर एंड IB दिया। देखिए ये इसके सवाल जो है ये इलेक्ट्रीशियन के सवाल हैं। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे और इतना आसानी भी नहीं है समझना, तो
तो आप लोगों को हम सीधे सीधे फार्मूला बता देते हैं, बस फार्मूला देख लीजिए आप लोग, उसी पर रख देंगे आप लोग आंसर आ जाएगा। तो आई सी ई ओ बराबर है आई सी बी ओ वन प्लस बीटा, और यहाँ पे आई सी ई ओ का मान क्या दिया, ये हमारा फार्मूला है, इसी पे हम लोग बीटा का मान पूछाना है, इसी बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये म्यू एम्पियर है, यह क्या दिया गया है 5 माइक्रो एम्पियर 1 प्लस बीटा, बस इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यह 0.4 है, ये म्यू एम्पियर यह क्या हो जाएगा 10^-3 हो जाएगा। यह देखिए 5 एम्पियर नीचे आएगा जब यहाँ पे गुड़े में है, तो यह हमारा 5 गुड़े, ये देखिए माइक्रो एम्पियर है ना, यह क्या हो जाएगा 10^-6 हो जाएगा, यह हमारा 10^-6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.4 × यह 10^-6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा, और -3 और +3 हमारा क्या हो जाएगा +3 में बदल जाएगा, अपान 4 हो जाएगा बराबर 1 प्लस बीटा। अब इधर आते हैं, 10^-3 को अगर हम लोग 1000 का लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 400/5 बराबर 1 प्लस बीटा, और हम 5 से भाग देंगे 80 आएगा, 80 बराबर हमारा 1 प्लस बीटा आएगा, तो हमारी बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 79। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं आपको ज़्यादा बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बताया, और उसी पे हमने जो मान दिया गया उसको क्या कर दिए, रख दिए, हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, इसमें क्या बोल रहा है, द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट इज नॉट ऑसिलेटर विकास, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एक ऑसिलेटर नहीं है। तो देखिए यह मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, इसका यूज हम लोग स्क्वायर वेव प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखिए स्क्वायर वेव का मतलब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वेव, ठीक, इस प्रकार हम वेव प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। और मल्टी वाइब्रेटर जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, एक हमारा क्या होता है अस्टेबल होता है, एक मोनोस्टेबल होता है, एक बाईस्टेबल होता है। इसमें बात क्या कर रहा है, मोनोस्टेबल की बात कर रहा है। तो जो अस्टेबल होता है वो कोई भी स्टेज इसका स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, यह या तो अप डाउन हमेशा क्या होता रहता है, होता रहता है ये। और एक हमारा होता है मोनोस्टेबल, इसमें क्या होता है केवल एक स्टेज स्टेबल होता है, ठीक है, जब तक हम लोग जो उसका ट्रिगर होता है उसको जब तक हम लोग ऑन ऑफ नहीं करेंगे तब तक वह मान बदलेगा नहीं। एक बाईस्टेबल होता है, दोनों स्टेज क्या होते हैं इसके, स्टेबल होते रहते हैं। तो इसमें आप लोग सिंपल से ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे और हमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन ही पैदा करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा, इसको आप लोग क्या करिए समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक हैं, जो हमने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो ग्रुप 7 का जो लेवल 1 भी था उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले थे, और जो 7 का जो लेवल 2 है इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे 2-4-10 क्वेश्चन पूरे ग्रुप में, 7 ग्रुप में 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ से बाहर हैं, उसको आप लोग क्या करिए आंसर देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको वो सवाल कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको लगाते हैं। बोल रहा है अगर जहाज लाइट हाउस से 50 मीटर की दूरी पर है, दूरी दे दिया गया है लाइट हाउस से, तो 100 मीटर ऊंचाई वाले लाइट हाउस के शीर्ष को देखने के लिए जहाज की कप्तान द्वारा कोण बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जहाज कोई खड़ी है, ये लाइट हाउस है, हाइट दे दिया गया है और डिस्टेंस दे दिया गया है, दूरी दे दिया गया है, आधार या इसको आधार मानते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं ना, और हमें अल्फा का मान पूछा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेन अल्फा बराबर, कि हमने टेन लिया क्योंकि हमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमें होता है लंब बटे आधार होता है ना, लंब का मान हमें 100 मिल गया है, आधार का मान हमें नहीं पता है ना, आधार में 50 है, आधार का मान पता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा बराबर हम लोग क्या कर देंगे, आ जाएगा 50 × 100। अब देखिए जो हमारा 10 के रूप में 2 का मान तो किसी का नहीं होता है। अब यहाँ से हम बताते हैं आप लोगों को
टेन साठ अंश का मान देखिए, टेन साठ अंश का मान हमारा होता है करड़ी में तीन बटा के दो, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.76। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.76 लिख सकते हैं। हमें दो को ऐसे रूप में लिखना है, टेन टेन का हमें वैल्यू लिखना है दो के, क्योंकि टेन से टेन कट जाएगा, हमें अल्फ़ा का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेन सिक्सटी का मान क्या आया, 1.76, यानी जो टेन के रूप में जो मान यहाँ पे हमारा आएगा वह कितना आएगा, 60 से प्लस ही आएगा ना, यानी टेन अल्फा बराबर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन अब इस पर अब हम लोग क्या करेंगे, हमें टेन दो किसका मान है तो हमें मालूम नहीं है, हमें ऑप्शन को देखेंगे तो 60 के प्लस आएगा। देखिए 76 तक आ रहा है, अब हम तो टेन 60 का मान आ रहा है 1.76, हम लोग टेन 63 पॉइंट मान लेते हैं, 63.43 का मान हमारा क्या आएगा, दो आएगा, टेन से टेन कट गया, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ गया, 63.43। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन से इसको हल किया, क्योंकि हमें टेन दो अंश किसका मान है हमें यह पता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इच कलर ग्रीन वाइट ब्लू सिल्वर आर यूज्ड फ्रॉम। हमें क्या करना है, सबके कलर की कोडिंग बताना है। ठीक है, अब सबकी रेजिस्टेंस, एक हमारा ट्रिक होता है उसको बता दें आप लोग। यह होता है बी बी राय, राय को जानते हैं जेसन राय, जो वहाँ का खिलाड़ी है, किसका, इंग्लैंड का, तो वह क्या है, ग्रेट है, महान है, वह कहाँ का है, ब्रिटेन का है, उसके साथ साथ क्या है, वो वेरी गुड, बहुत अच्छा भी है। ठीक, डब्लू दिखा देते हैं, इसका मतलब हमने यह क्यों दिखाया, इसकी कलर कोडिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। ठीक, जब इसकी हमने नंबरिंग कर दी, अब देखिए हमें पूछा किसका है, हरे का ना, हरा हरा कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए ग्रीन पाँच नंबर पे आ रहा है। ये सब कलर के नाम है, हमने जो लिखा है बी बी आर वाई, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येल्लो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, ये हमारे ब्लू है, ये भी ब्लू है, यह येल्लो वाइट है, ये सब हमारे क्या है, कलर के नाम है। ठीक है, पहला हरा पूछा था ना, हरा का पाँच हो गया, बैगनी वायलेट का कितना है, सात है। अब देखिए हमारा दो नंबर जब हमने दर्शा लेते हैं तो तीसरे नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर में लिखने लगते हैं। तो नीला का क्या है हमारा, ब्लू, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा किसका पूछा है, सिल्वर का ना, सिल्वर में देखिए 10% टॉलरेंस में होता है सिल्वर, या प्लस माइनस 10% हमारा क्या होता है, टॉलरेंस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा से लिख सकते हैं 57, 10 के पावर 6, मतलब कितने जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे हमारे 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह बोल रहा है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट आई सी इफ़ वी सी ई 8 वोल्टेज एंड आर सी 5 किलो ओम, टेक वी बी ई 0.7 बीटा 100। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट आई सी की वैल्यू पूछा है हमें। चलिए इसको देखते हैं, ये भी थोड़ा वैसा ही सवाल है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें एक अलग से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देखिए अलग एक डायग्राम बनाते हैं। इधर हमारा क्या होता है, इमीटर होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। इमीटर वाला थोड़ा बड़ा होता है, बेस सबसे छोटा होता है, और कलेक्टर हमारा सबसे बड़ा होता है। यहाँ से देखिए एक हमने वोल्टेज यहाँ से दिखाया गया है, कितना वोल्टेज दिखाया गया है, वी सी ई से, वी सी ई जो वोल्टेज दिखाया गया है 8 वोल्टेज दिखाया गया है, और एक हमारा वोल्टेज दिखाया गया है, वो वोल्टेज कहाँ गया, हाँ वी बी ई वोल्टेज 0.7, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वह कितना है, 0.7। तो देखिए यहाँ देखिए पूरा वोल्टेज हमारा 8 वोल्टेज था, जब हमारा यहाँ से यहाँ तक 0.7 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, जब घटा देंगे 8 में से 0.7 तो हमारा 7.3 आ जाएगा। ठीक, ओम, ये हमारा वोल्टेज निकल के आ गया। तो यह क्या है, कलेक्टर टू बेस
यह क्या है, कलेक्टर टू बेस टर्मिनल से हमारा यह जो निकल के आया है 7.3। अब हम क्या करते हैं, आई बी एक फार्मूला हमारा होता है, आई बी बराबर होता है कलेक्टर टू बेस टर्मिनल, ऊपर कितना निकल के आया है 7.3 अपान इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 450 किलो ओम है। ठीक है, जब इसको हम लोग आई बी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा इसके हो जाएगा 0.1622। ठीक है, अब क्या करना है, हमें आई बी का मान तो मिल गया, अब हमारा मान किसका निकालना है, आई सी का मान निकालना है। आई सी बराबर होता है बीटा इंटू आई बी, तो बीटा का मान 100 है इंटू आई बी का मान कितना निकल के आया है हमारा 0.1622। इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.622 हमारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कन्वर्ट बाइनरी नंबर, इन्हें क्या करना, बाइनरी नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें चार चार का पेयर बनता है, यह हो गया 1101, चार चार का क्या बनता है, पेयर बनता है। इसकी कोडिंग कैसे होती है, देखिए इसमें 1 से 9 नंबर तक अगर आता है जोड़ने पर तो हम क्या करते हैं, नंबर से दिखाते हैं। अगर हमारा 10 से 15 तक आता है, क्या 10 से 15 के बीच में आता है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, ए से एफ तक दिखाते हैं, इसकी कोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे होता है 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इसी तरह इसमें भी होता है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 और ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा इसका और इसका 8। ठीक है, इस तरह इसका भी 1, 2, 4, 8। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा नंबर आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा और प्लस 2 0 0 हो गया, प्लस 4 1 4 हो गया, प्लस 8 1 8 हो गया, 8 4 12 1 13, इसका नंबर कितना आया, 13 है। इसका देख लेते हैं, इसका कितना हो, 0 से 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका 2 1 2 हो जाएगा, इसका 4 1 4, इसका 8 1 8, 8 4 12 14, इसका 14 आया है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, अगर 1 से 9 के बीच में आएगा तो हम नंबर से दिखाएंगे, 1 से 9 के बीच में आएगा तो हम नंबर से दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आया कितना है, आया है जो हमारा 14। अब 14 हम किस में दिखाएंगे, कोडिंग में ना, तो 10 11, 10 को हम ए से दिखाएंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, यहाँ पे 13 डी दिखा देंगे और 14 को ई से दिखाएंगे, ई और डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार आप लोग अब पीछे के जितने भी हमारा जो सवाल होंगे बाइनरी नंबर वाले सब इसी पे कॉन्सेप्ट में लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग अ टर्न रेशियो 4:7 इज अ फेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 220 वोल्टेज, सो व्हाट विल द ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज। देखिए पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, V2 upon V1 बराबर, यानी सेकेंडरी वोल्टेज अपान प्राइमरी वोल्टेज अपान N2 upon N1। तो हमें देखिए कौन सा वोल्टेज दिया गया है, ट्रांसफार्मर का हमें सोर्स ऑफ 220 वोल्टेज, हमें सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है ना, ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज वही सेकेंडरी वोल्टेज, और सबका मान हमें दे दिया गया है, तो हमें V2 का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया है, पता नहीं है, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, या V1 का 220 वोल्टेज, या देखिए रेशियो दे दिया गया है N2 upon N1। अब इसको हम लोग V2 का जब मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/4 × 220। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो 385 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिखाए गए DC वोल्टेज होगा, ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की लेकिन यह आंसर इसका नहीं आ रहा था, क्योंकि यह AC वेव फॉर्म दी गई है, यह बोल रहा है DC वोल्टेज ज्ञात करने के लिए AC वेव फॉर्म दी गई है, इसमें हम लोग पीक टू पीक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं,
तो इसमें हमारा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसको रट लीजिए सही हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने जितने भी ग्रुप थे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आपके एग्ज़ाम से पहले सभी ग्रुपों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। काफ़ी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे सर जल्दी करिए जल्दी करिए, तो हमने सभी ग्रुप के लेवल सभी ख़त्म कर दिए। दो चार दस क्वेश्चन पूरे ग्रुप में मिलाकर हम ऐसे होंगे जो उसको हमने अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वह ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को हम कोशिश भी करते बताने के तो आप जितने पढ़े हैं उसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार उसको देख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स दे दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। इस प्रकार अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।